कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का या न्यूक्लियर आर्म्स का ट्रेड करना भी जायज़ है, या क्या है इस्लामी नुक्ता नज़र इसके बारे में कि इनकी सौदा करना, कारोबार करना भी जायज़ है कि नहीं? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये अच्छा सवाल किया। बात वही है कि सौदा करना इन हालात में तो जायज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त कुव्वतें इसी के ज़रिए से ज़ाहिर की जा रही हैं, और कुरान करीम में हुक्म फरमाया वाइदुल्लहु मस्तता मिन कुव्वत व रिबात खैल, कि अपनी ताकत असले की बनाओ, अपने घोड़ों को मुस्तैद रखो। तो गोया कि आज पहले घोड़े थे, आज ये टैंक हैं, फौजी गाड़ियां हैं और असला है। तो यही असला चूंकि आज जंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जब तक कि कोई आलमी कोई ऐसा मंशूर और दस्तूर एग्रीमेंट नहीं हो जाता कि ये सारा का सारा असला फना कर दिया जाए, हम तीर तलवार पर वापस आ जाएँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक यही आलात जंग चल रहे हैं, तो इसकी ट्रेड बिल्कुल जायज़ है। मुसलमान मुसलमान आपस में कर सकते हैं, गैर मुस्लिम से कर सकते हैं एक दूसरे, क्यों कि ज़ाहिर इसकी ज़रूरत है, और हर मुल्क अपने तहफ़ के लिए और अपने मफादात को बढ़ाने के लिए इसी को इस्तेमाल करता है, लिहाजा ट्रेड भी उसकी बिल्कुल जायज़ होगी।